20%। ओके चलो भाई पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। यदि नींबुओं को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा जाए, 2 नींबू खरीदे कितने रुपए में? 1 रुपए में, ये तो खरीदने की दर हो गई। और 3 रुपए में 5 की दर से बेचा जाए, 5 बेचे कितने में? अब लाभ हुआ या हानि हुई और कब पता चलेगा? जब क्या कर लेंगे इनको सेम सेम। किस पे करोगे? 10 पे। गुणा 5 गुणा 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 5 दुनी 5 रुपए और 5 दुनी 3 दुनी 6 रुपए। 10 नींबू कितने के आए थे? 10 नींबू बेचे 6 के, कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। और 1 रुपए का लाभ किस पे हुआ? 5 पे। तो 1/5 गुणा में 100 क्या हुआ भाई? 20% का प्रॉफिट। ठीक है, वस्तुओं की संख्या क्या कर लोगे? सेम। अब यहां पर मैं बता दूं, एक सौ ट्रिक होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, वो आधे क्वेश्चनों पे लगेगी। जब ये पूछा जाए ना कितनी वस्तुएं खरीद कर बेची इतने लाभ के लिए हुआ, वो फेल हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। मिस्टर एक्स एक खिलौने को 6% की हानि पर 423 रुपये में बेचता है। यदि 8% का लाभ कमाना चाहता है तो उसको कितने में बेचे? से की 84। ओके बी। ठीक है भाई, 6% की हानि पर बेचता है। 6% की हानि मतलब 94% में, 94% में बेची तो कितने की बिकी? 423 की। 8% का लाभ चाहिए, 8% का लाभ चाहिए तो 108% में बेचनी पड़ेगी। 108% 423/94 गुणा में 108 कितना आया? 484 बी। यही आया क्या? हाँ, 484। क्लियर भाई? 6% की यानी 94%, 8% का लाभ चाहिए, 108%। स्टेनो टाइपिस्ट में था ये, हरियाणा में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट तो आपकी कॉपी में है जो हमने क्लास में पढ़ी है, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं ये। ठीक है ना, बस अब तो फटाफट क्वेश्चन सोल्व करो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1 रुपए कम लागत पर बेचा होता, ठीक है, तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसकी लागत कीमत ज्ञात करें। इजिटी साइकोलॉजी, ये प्रतिशत है भाई, यहां पर ये शायद दूसरा हो रखा है प्रतिशत। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 यूनिट की चीज है, कितने की बेचता है? 105 की। ठीक है, एक टाइप होती थी अपनी। उसने इसे 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदेगा तो 95 में खरीदा होता, और उससे 1 रुपया कम पर बेचा होता, यानी कि पहले से कितना कम? 1 रुपया कम, तो उसको 10% का लाभ होता। 10% का लाभ उसको किस पे होगा? 95 पे। 95 पे 10% का लाभ होगा तो 95 खुद के 110% पे बिकेगा। 110% 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55, 11 निम 99 और 5 104, और नीचे क्या है? 10।
एक लग गया पॉइंट, राइट है। पहले कितने की बिकती थी, अब कितने की बिक्री है, 104.5 की। कितनी कम, 0.5। और 0.5 यूनिट किसके बराबर, एक रुपए के। 0.5 यूनिट बराबर है एक रुपया। हमसे क्या कह रहा है, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर है 1/0.5 गुणा में 100। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, या तो यही काट लो, 5 × 2 = 10, 2 घूम के कहां जाएगा, गुणा में, किसके साथ गुणा होगा, 100 के साथ, कितना आ गया, 200। ठीक है, राइट है भाई। चलो इसको उतारने का क्या फायदा बेटा, चलो उतार लो, फिर उतार, यहां तो जो आपने क्लास में आराम से सीखा है उस स्पीड देखो कि एकदम मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं कितने स्पीडली करता हूं इसको। अब यहां क्लास मत मानो, यहां ये मानो कि आप जैसे क्लास में निकालते हो ना एक आधा क्वेश्चन, ये आ गया जी, ये आ गया जी, अब वो बात यहां होनी चाहिए, एकदम से ये आ गया जी इसका। टाइप होती है ऐसी अपनी एक, यानी कि उसका इतना रिवीजन करो कि उन टाइपों में से कुछ भी आपको दिखाई दे आप फटाफट सोल्व करो बस। चलें, चलो। मोहन एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए मरम्मत पे खर्च किए और उसने उसको 3300 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कितना, 10। 2500 में खरीदा, 500 का मरम्मत, यानी कि कुल कितने रुपए के आया उसके, 3000 का। बेचा कितने का, कितने का लाभ हुआ, 300 का लाभ किस पे हुआ, गुणा 2 0 कट 1 0 कट, कितने परसेंट, 10% प्रॉफिट। ठीक है, 2500 का खरीदा, 500 मरम्मत, कितने का गया, 3000 का। 3000 की चीज कितने की बेच दी, 3300 की। कितने रुपए कमाए, 300। किस पे कमाए, 3000 पे, गुणा 100, बात खत्म। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है, शाबाश, 400, बिल्कुल। क्या बोला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है, यदि विक्रय मूल्य 100 है, यदि विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना है, 20। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है, 100 का 20% कितना होगा, 20। इसका मतलब क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य कितने का लाभ हुआ, 80 का लाभ किस पे हुआ, 80/200 का कितना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है, यदि विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो 20 की चीज 100 की बिकी है, कितने का लाभ हुआ है, 80 का, किस पे हुआ है, 20 पे, गुणा 100, कितने परसेंट का,
400% का, ठीक है। चलो इसको लिख लो, लिखना चाहो तो। एग्जाम में तीर की चलना है, वहां थोड़े भी धीमा नहीं पढ़ना। 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन 10-12 मिनट में करके बाहर, और वो सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं जिससे आप उन क्वेश्चनों को 40-40, 50-50 सेकंड में कर सकते हो। आपको ऐसे ऐसे हथियार दिए हैं जो कहीं पर भी चलाना, ठीक है भाई। चले चलो नेक्स्ट। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना। 25, 4 की चीज कितने की बेच गया, 5 की, 1 का लाभ किस पे, गुणा 25%। चले चलो। एक पेन 51.70 पैसे में 12% की हानि पर विक्रय किया गया, पेन का क्रय मूल्य बताओ। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन, ओके। देखो भाई 12% की क्या हुई हानि, 12% की हानि हुई तो वस्तु 88% बिकी है, 88% में बिके 51.7, क्योंकि पीछे वाली जीरो लिखे ना लिखे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद की जीरो कोई मायने थोड़ी रखती है। 88% कितना आ गया, हाँ तो किसकी वैल्यू निकालनी भाई, 100%, तो 517 ही लिख लूं, इसके पॉइंट का नाम का 10 बटे में 88 गुणा में 100, 11 चौके 44, 11 सते 73, 11 ठे 88, ठीक है। 10 जीरो से जीरो कैंसिल, अच्छा भाई 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 सता 35, 5 चौका 20 और 3 23 बटे 4, 4 पंजा 20, 4 अट्ठा 32, कितना रह गया 35, 4 सता 28, 4 पंजा 20, 58.75, 12% की हानि हुई इतने बेचने से, क्रय मूल्य बताओ 100%, ये तो पहली टाइप अपनी। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ। पीजीटी पोल साइंस 20% का, शाबाश भाई 20%, ओके वेरी गुड। हाँ 18 का सीपी बराबर है 15 का एसपी, सीपी एसपी को एक तरफ करोगे 15 बटे 15 की चीज कितने की बिकी, कितने का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 3/15 गुणा में 3 पंजे, कितने परसेंट का भाई, ठीक है। टाइप नंबर 3 पता नहीं 4 होती है ये अपनी। चले चलो। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 3 पेंसिल के भाव से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। हरियाणा पुलिस ए, वेरी गुड, हाँ शाबाश। ए व्यक्ति कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से, 5 पेंसिल खरीदी 1 रुपए में, ये तो खरीदने का सिस्टम था, और उन्हें 1 रुपए में 3 पेंसिल के हिसाब से 3 पेंसिल बेच दी, कितने में, 1 रुपए में। पेंसिलों की संख्या समान कर लोगे खरीदते टाइम बेचते टाइम,
गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच गुणा पांच, 15 पेंसिलें खरीदी और 15 पेंसिलें बेच दी, कितने का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 2/3 गुणा में 200/3 66.66। ठीक है, चलो। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 3/4 की दर से बेच दिए, यानी कि ये टाइप इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। हरियाणा पुलिस, दस परसेंट, वेरी गुड। 6 5 रुपए में, 4 3 रुपए में, समान करोगे 12 पे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 वस्तुएं कितने खरीदी और 12 वस्तुएं बेची, तो क्या हुई हानि, कितने की हानि हुई, किस पे हुई, 1/10 गुणा में 100, कितने परसेंट की भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक मशीन के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होना मतलब 10% की दर से उसका मूल्य घटता जाता है, ठीक है ना, उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। यदि उसका क्रय 3 वर्ष पूर्व किया गया था, वो मशीन 3 साल पहले खरीदी गई थी, यदि उसका वर्तमान मूल्य 8,748 है, तो जब खरीदा गया था तो उसकी कीमत क्या थी, वर्तमान में कीमत क्या है, 7,448, कितने साल पहले खरीदी गई थी, 3 साल पहले, 3 साल पहले हमें नहीं पता उसका रेट कितना था, हमने उसका रेट R मान लिया, पहले साल क्या हुआ, 10% की कमी, अगले साल भी 10% की कमी, अगले साल भी 10% की कमी, यदि उसका रेट R था, 10% की कमी कितना रह गया, 90, फिर 10% की कमी कितना रह गया, 90, और फिर 10% की कमी कितना रह गया, 90। ये 3 साल पहले था, ये 2 साल पहले, ये 1 साल पहले, और ये अब किसके बराबर है, 8,748। बताओ 3 साल पहले रेट कितना था, 18,000 12,000। उन सबको उधर लेके काट दो, कितना आ गया भाई, 12,000। इंस्पेक्टर के पेपर में था क्वेश्चन, ये क्लियर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स, ये एक्स है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 25% का लाभ हुआ हो तो एक्स का मान बताओ, पंचायत ऑफिसर में क्वेश्चन रहा है ये, 25, वेरी गुड। देखो भाई, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का सीपी बराबर है एक्स वस्तुओं का एसपी, क्या हुआ है, 25% का लाभ, बाद में देखते हैं, पहले तो सीपी और एसपी को एक तरफ कर लो, कर लिया, कितना आ गया, एक्स बटे 20, इसका मतलब क्रय कितना है, बेचा कितने में है, और जब 20 में बेचा गया तो क्या हुआ, 25% का लाभ, 25% का लाभ हुआ है, तो x खुद के 125% बिका है, और 125% में बिके कितने का बिका है, 20 का है या नहीं, करे मूल्य 25% का लाभ हुआ है, तो करे मूल्य खुद के 125% में बिका है, और 125% में बिके कितने का बिका है, 20 का, तो 5 5 25 25 का 100, और ये 5 का 20,
चार उधर चला गया तो एक्स का मान कितना आ गया, 16, 16 आएगा भाई। ठीक है, अब ये टाई पड़ी थी लेकिन इसने यहां क्या किया, यहां लगा दो, फिर उसने ये बता दिया कितने परसेंट का, यहां ये बताता कि कितनी वस्तु में पूछ लेता कितने परसेंट का लाभ या फिर हानि हुई। तो चाहे आगे से क्वेश्चन पूछे चाहे पीछे से पूछे, कॉन्सेप्ट तो वही है। क्यों भाई, समझे नहीं समझे बात को? नेक्स्ट आ जाओ, 20 वस्तुओं की लागत कीमत, ये तो वही हो गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार 10 रुपए में 15 आम खरीदता है और 10 आमों को 15 रुपए में बेचता है, मुनाफा कितने परसेंट हुआ? मंडी सुपरवाइजर, ये टाइप देखो सबसे ज्यादा बार पेपरों में आई है। अस्सी परसेंट, पंद्रह आम 10 रुपए में खरीदे, 15 आम खरीदे भाई 10 रुपए में, खरीदने का सिस्टम 10 आम 15 बेच दिए, 10 आम बेचे कितने में, 15 रुपए में, बेचने का सिस्टम 15 और 10 को समान करोगे 30 पर, गुणा दो गुणा दो, 30 आम खरीदे 20 रुपए में, गुणा तीन गुणा तीन, 30 आम बेचे 45 रुपए में, खरीदे थे 20 में बेचे 45 में, क्या हुआ भाई 25 का लाभ, 25 का लाभ किस पे हुआ, 20 पे, तो 25 बटे 20 गुणा में 100, 20 पंजा 100, 25 पंजा 125 परसेंट का प्रॉफिट। ठीक है, चलो एक सौ पांच लिफाफों का मूल्य 35 रुपए है तो 10 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं, 30, वेरी गुड, 30 ही आएगा मेरे ख्याल से। 35 रुपए में कितने लिफाफे आए, 105, एक रुपए में कितने आएंगे, 105 बटे 35, 10 रुपए में बताने हैं, गुणा 10, 5 सत्ता 35, 5 दुनी 10, 7 एकम 7 और 7 पंजा 35, 15 दुनी 9 लो भाई। एक विक्रेता एक घड़ी 425 रुपए में बेचता है, एक विक्रेता एक घड़ी 425 रुपए में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा? पांच सौ पचास की, शाबाश, इस तरह से आनी चाहिए उत्तर, वेरी गुड। 425 में बेचता है, 15% की हानि होती है, 15% की हानि मतलब 85% में, 85% बराबर 400, 10% का लाभ चाहिए, 110%, कितना भाई, 425 बटे 85 गुणा 116 कर लिया, कितना है 550, ठीक है, ये तो पहली टाइप है। केले के दामों में 40% की कमी होने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 64 केले अधिक खरीद पाता है तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो, यह आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, परसेंटेज में टाइम नहीं होती थी, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, एक व्यक्ति अब 1500 रुपए में इतने किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, घटा हुआ मूल्य बताओ, वर्तमान मूल्य बताओ, पहले वाला मूल्य बताओ, वो वाला क्वेश्चन हो गया ये, ये परसेंटेज में पढ़ा था हमने।
ये 40 रुपए में है। अब इसके लिए हमें बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ा था और फिर मैंने फाइनल एक ट्रिक बनाई थी इसकी, है ना। कितने रुपए मार्केट में लेके गया? 40। कमी होगी या वृद्धि होगी? कितनी कमी हुई? बटे में क्या लिखेंगे? 100। और कितने अधिक मिले? 64। तो बटे में क्या कर देंगे? 64। ये आ जाएगा आपका घटा हुआ मूल्य। दो जीरो कट, चार काटेगा 16 पे, ये चार काटेगा 4 पे, तो घटा हुआ मूल्य कितना आ गया? 1/4, यानी कि एक केला 1/4 रुपए का आता है। अब घटने के बाद एक केला कितने रुपए का आता भाई? 1/4 रुपए का। लेकिन हमसे किसका रेट पूछ रहा है? दर्जन का। तो 12 केले 1/4 गुणा में 12, 4 तीये कितने के? 3। 3 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक आदमी 5 रुपए में एक दर्जन के भाव से उतनी ही संख्या में 4 रुपए में एक दर्जन के भाव से संतरे खरीदता है। उन्हें 5.5 के एक दर्जन के भाव से बेचता है, तो 50 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे खरीदे? हरियाणा कलर्क में ये क्वेश्चन रहा भाई। खरीदने का सिस्टम कैसा है? एक दर्जन 5 रुपए में। बेचने का सिस्टम कैसा है? एक दर्जन 5.5 रुपए में। एक ही दर्जन है ना दोनों के? ठीक है, तो उसको कितने का लाभ हुआ? कहां 5 रुपए में एक दर्जन के भाव से उतनी संख्या में 4 रुपए के एक दर्जन, ये 4 रुपए हैं फिर। अच्छा 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 अच्छा, दो जगह से खरीदे हैं। ओके 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 ओके, एक सेकेंड भाई। ठीक है, एक दर्जन एक जगह से खरीदे कितने रुपए में, और एक दर्जन एक जगह से खरीदे कितने में? 4 रुपए में। तो कितने खरीद लिए? 2 दर्जन। और 2 दर्जन कितने रुपए में? 2 दर्जन खरीदे 9 रुपए में। और उनको कैसे बेचा? ये खरीदने का सिस्टम हो गया। तो आपका क्वेश्चन नहीं होता ना, दो जगह से खरीदारी करता है। एक दर्जन एक जगह से खरीदे 5 रुपए में, और एक दर्जन एक जगह से खरीदे, तो टोटल कितने दर्जन खरीद लिए? कितने रुपए में? और उनको बेचा कैसे? 5.5 प्रति दर्जन। ये खरीदने का था, बेचने का कैसे था? एक दर्जन 5.5 रुपए में। खरीदे 2 दर्जन है तो बेचेंगे भी 2 दर्जन, तो 2 दर्जन कितने के बेचे होंगे? 11 रुपए में। तो उसको कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का। 9 रुपए के खरीदे 2 दर्जन, और 2 दर्जन बेचे कितने के? कितने का लाभ हुआ? 2 रुपए का लाभ हुआ उसे कब? जब उसने 2 दर्जन संतरे खरीदे और 2 दर्जन संतरे बेचे। 2 रुपए का लाभ 2 दर्जन से होता है, उसको लाभ कितना कमाना है? 2 रुपए का लाभ 2 दर्जन से, 1 रुपए का लाभ 1 दर्जन से, और 50 रुपए का लाभ
राइट है भाई, ठीक है। देखो इसको, ये टाइप है अपनी, दो जगह से खरीदारी करता है, वो वाला क्वेश्चन हो गया ये, और कुछ नहीं है। हाँ भाई,